हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी रेड्डी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टीसीएस की तरफ से आई एक काफ़ी बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो टीसीएस की तरफ से दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा पैकेज भी ऑफर होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस रोल के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको टीसीएस में 7 LPS से लेकर 12 LPS का पैकेज भी ऑफर हो सकता है। स्किल सेट आपकी कैसी है दोस्तों, इस पर सारा चीज़ डिपेंड करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो मैं अपडेट बताने वाला हूँ, इसमें अगर आप BTech के स्टूडेंट हैं, BCA के स्टूडेंट हैं, MCA के स्टूडेंट हैं, BSc MSc के स्टूडेंट हैं, ME MTech आप कर रहे हैं, तो आप सब इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे इसका एडवांटेज उठाना है, डिटेल में इस वीडियो में बात होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी इस मैसेज को जरूर शेयर करिएगा। एक और चीज दोस्तों, अगर आप इसी तरह से जॉब इंटर्नशिप और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड अपने आपको अपडेट रखना चाहते हैं, हर एक अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहां पर आपको ऐसे अपडेट मिलेंगे जो कि आप ऑनलाइन इतने आसानी से सर्च नहीं कर पाते हैं। जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में हम बात करना चालू करेंगे आज TCS HackQ Season 6 के बारे में। डिटेल में जाएंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या करना होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, हाल ही में TCS HackQ का Season 6 अनाउंस हुआ था, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है और इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप BTech के स्टूडेंट हैं, ME MTech के स्टूडेंट हैं, BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, आप इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। बात करें कौन से बैच वाले इसमें एलिजिबल होंगे, तो अगर आप रिसेंट पास आउट हैं, 21 में आपने पास आउट अपना ग्रेजुएशन किया है, या फिर आप 22 में पास आउट होने वाले हैं, तो आप इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और मैं आपको इसी तरह की एक और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपके पास दोस्तों टैलेंट है और आप इंडिया की टॉप कंपनी में प्लेसमेंट पाना चाहते हैं, इंडिया की टॉप 100 यूनिकॉर्न्स कंपनी में, टॉप 100 स्टार्टअप कंपनी में प्लेसमेंट पाना चाहते हैं, तो दोस्तों रीलेवल एक ऐसा टेस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब मिल सकती है। लास्ट 6 मंथ में दोस्तों 10 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज यहाँ पे ओवरऑल सभी लोगों को ऑफर हुआ है। 10 करोड़ से ज़्यादा वर्थ की टोटल यहाँ पे सैलरी लोगों ने लास्ट 6 मंथ पे पाई है। दोस्तों, अगर आप दोस्तों री लेवल एग्जाम देते हैं, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये एग्जाम बिल्कुल पूरी तरीके से आपके लिए फ्री होता है, एक ही दिन का एग्जाम होता है। और यहाँ पे दोस्तों अभी कई सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हायरिंग कर रही है। ऐसे ही 2 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे अभी हमें ट्रीबो और स्नैपडील की तरफ से काफी बड़ा अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज तो आपको यहाँ पे कमाल का दिखने वाला है, 20 LPA का पैकेज आपको मिलने वाला है। इस एग्जाम को देने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि आप यहाँ पे अगर 70% से ज़्यादा स्कोर ला लेते हैं, तो आप सिर्फ इन 2 ही कंपनी में प्लेसमेंट नहीं पा सकते, बल्कि दोस्तों 100 से ज़्यादा कंपनी में आपके प्रोफाइल को दिखाया जाता है, और जिससे आपके प्लेसमेंट अच्छे पैकेज में मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और आप में से अगर कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रीलेवल एग्जाम पहले दिया है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप एन नंबर ऑफ टाइम बिल्कुल फ्री पे रिपीट कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसे दे सकते हैं, और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद आके इस एग्जाम को आप वापस बिल्कुल फ्री पे दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और अगर आप Tier 2 Tier 3 में पढ़ते हैं, तो इस एग्जाम के लिए जरूर आपको इनरोल करना चाहिए। बाकी सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। कोई भी फीस आपसे कभी भी यहाँ पे नहीं ली जा रही है, तो दोस्तों आप इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताना स्टार्ट करता हूँ TCS HackQ सीजन 6 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें 21-22 बैच के स्टूडेंट जो कि BTech वाले हैं, ME MTech वाले हैं, BCA, MCA, BSc, MSc कर रहे हैं, वो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको CT और DT ID नंबर भी यहाँ पे डालना होगा। वो CT ID आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, आपका अगर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे पहले से रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहाँ पे आपको CT और DT ID आपको मिल जाएगा। अगर आपने पहले भी कभी नेक्स्ट पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना के रखी हुई है, दोस्तों आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगा, तो आप वहां से थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं और फिर उस सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर जो CT और DT ID आपको मिलेगा, उसे आप जब फॉर्म फिल करेंगे,
तो उस समय यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे और भी जो अदर क्राइटेरिया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय इन्होंने बताया है उसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि 21 बैच वाले हैं, 22 बैच वाले हैं। स्ट्रीम मैंने आपको पहले ही बता दी है, कोई भी आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पहले अगर आपका बैकलॉग था और आपने उसे भी क्लियर कर लिया तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। 60% थ्रू आउट आपका एजुकेशन होना चाहिए, मतलब 10th में, 12th पे, ग्रेजुएशन पे 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए और आपका नेक्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन हो गया होना चाहिए, CTDT नंबर आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन दोस्तों 10th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो रजिस्ट्रेशन है अभी दोस्तों अभी एंड डेट नहीं आया है। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लीजिएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इसमें होंगे। बात कर ली जाए दोस्तों कि ये ओवरऑल ये जो हैकफेस्ट है ये है क्या। बेसिकली दोस्तों आप सब जानते हैं आज के डेट में हैकिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कई सारी कंपनियां इसे जूझ रही है। ऐसे में हर बड़ी कंपनी चाहती है कि उनके पास साइबर सिक्योरिटी की एक पूरी टीम हो, इथिकल हैकर्स की एक अच्छी टीम हो जो कि दोस्तों बाहर के अटैक से, साइबर अटैक से उनकी कंपनी की सिक्योरिटी कर पाए। ऐसे में दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनियां काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लगभग आपको 7 से 12 LPA भी पैकेज यहाँ पे ऑफर हो सकता है अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करने हैं तो बेसिकली दोस्तों ये काफ़ी अच्छा उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि अपना आगे का करियर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में देखने वाले हैं। और अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपके पास बेसिक स्किल सेट भी है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो आपको इस पे जरूर रजिस्टर करना चाहिए, इस पे जरूर फायदा इसका उठाना चाहिए। बेसिकली बात कर ली जाए दोस्तों कि इसमें टोटल कितने राउंड होंगे और किन लोगों को फायदा होने वाला है। तो अगर आप दोस्तों इथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन करके रखे हैं, जैसे कि CEH आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन करके रखा है तो आपको इसका एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास इथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन नहीं है लेकिन आपको इथिकल हैकिंग का बेसिक नॉलेज है और आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, जैसे कि जावा, पाइथन, C++ अच्छे हैं, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इथिकल हैकिंग का बेसिक नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी आप यहां पे राउंड्स को क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो सिलेक्शन का इसमें प्रोसेस यहां पे इन्होंने रखा है उसमें टोटल 2 राउंड होने वाले हैं। जो पहला राउंड होगा दोस्तों जिसका नाम है कैच द फ्लैग, जिसमें दोस्तों आपको कुछ हैकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आप में से हर कोई जो इसमें रजिस्टर्ड करेगा अगर वो एलिजिबल होगा उसे इस राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे उनमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिनका दोस्तों डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन एक आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना होगा और इन दोनों ही के बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगा और आपका इंटरव्यू किस तरीके से जा रहा है उस पर आपकी सैलरी यहाँ पे डिपेंड करने वाली है। दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है और अगर आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं आप में से हर कोई जो इथिकल हैकिंग का बेसिक नॉलेज भी रखता है या फिर इसके बारे में जानना चाहता है, मैं आपको दोस्तों एक लिंक एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एडुरिका की तरफ से काफ़ी अच्छा एक कोर्स है जिससे आपके पास बेसिक स्किल्स डेवलप हो जाएगी और आप उसको पढ़ने के बाद भी इस एग्ज़ाम को एक बार ज़रूर दे सकते हैं, एक बार देख तो सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अब अगर बात कर ली जाए कि कैसे आपको अप्लाई करना है, लिंक मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। याद रखिए CTDT नंबर काफ़ी मैंडेटरी है, वो आपके पास होना ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने यहाँ पे आएगा जिसे आपको फिल करना है। तो जब आप इसे फिल करेंगे CTID आप इसे पहले पूछा गया है और सारी डिटेल को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। डिटेल को फिल कर लेने के बाद दोस्तों अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कैसे आपको इसे ज्वाइन करना है और बाकी जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।